नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सांभर बनाऊंगी। ये राइस के साथ खाने वाला सांभर मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए ये वाला सब्जियाँ मैं ले रही हूँ, बैंगन, बीन, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज और अदरक थोड़ी सी कूटी हुई, और यहाँ पे तुअर का दाल एक बाउल धो के मैंने ले लिया है। और इसको हम कुकर में बनाएंगे। तो अरहर दाल को अच्छे से धोने के बाद, आप एक बोल ले रहे हैं अरहर दाल तो इसमें दो बोल आपको पानी लेना है। इसको हम 3 से 4 विसिल के लिए पकाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। यहाँ पे तेल ले लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 विसिल के लिए हम पकाएंगे। और यहाँ थोड़ा सा मैंने इमली का गूदा ले लिया है, और इसको गर्म पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। अभी दाल हमारा पकाने के लिए मैंने रख दी है, लगभग 3 से 4 विसिल में ये पक जाएगा। पूरा मैश नहीं करना है दाल को। अभी इमली का जो गूदा है इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। अभी दाल जो है हमारा पक चुका है। ये देखिए, ऐसे होना चाहिए। चावल के साथ खाने वाला सांभर जो है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो अच्छा लगता है। और इडली और जो बड़ा के साथ खाया जाता है उसको मैश करना पड़ता है। तो इसको हम अलग से एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसी कुकर में मैं बाकी जो सब्जियां हैं उसको मैं उबालने के लिए रख दूंगी। ये जितना भी सब्जियां कटी हुई है और अदरक जो है इसको भी हम उबालने के लिए रख देंगे। इसके अलावा आप इसमें सहजन और फूलगोभी, इस तरीके की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। इसमें 1/2 कप या फिर 1 कप के करीब पानी डाल के इसको भी उबालने के लिए रख देंगे। नमक हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच, और हल्दी पाउडर भी इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। तो ध्यान रहे कि नमक आपने दाल में भी डाला है तो इसीलिए बैलेंस करके आपको डालना है नमक और जितना भी मसाले हैं, हल्दी, नमक और जो लाल मिर्च है। इसको ढक्कन लगा के इसको भी 1 सीटी के लिए हम पकाएंगे। 1 सीटी के बाद मैं खोल के देख रही हूँ कि सब्जियाँ भी अच्छे से पक चुका है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको। तो ऐसे ही सब्जियाँ थोड़ा सा जैसे साबुत दिखता रहे। अभी हम इसमें जो पका हुआ दाल था इसको डाल लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो इसमें इमली का जो हमारा पल्प निकाला हुआ था इसको हम डाल देंगे, और इसमें सांभर मसाला डालेंगे 1 चम्मच। सांभर मसाला आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा आसानी से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद ये देखिए गाढ़ा है अभी भी। तो अगर आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा 1/2 कप के करीब पानी डाल के इसको हम उबालने के लिए रख देंगे, और 10 मिनट के लिए लगभग। तो लगभग 5 से 10 मिनट हो चुका है और उबाल भी आने लगा है, और सब्जियां और दाल जो है मसाले के साथ अच्छे से पक गया है। ये हमारा रेडी है। इसको हम छौंक लगाएंगे। छौंकने के लिए मैंने इसमें राई, जीरा और थोड़ा सा हींग, और इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालूंगी, और इसमें सरसों का तेल डालूंगी मैं 1 बड़ा चम्मच। अभी थोड़ा सा गर्म करने के बाद, थोड़ा सा राई जो है चटकने के बाद, अभी देखिए ये राई और जीरा थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसमें हम करी पत्ता डालेंगे 10 से 12, और इसको
थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद हम दाल के ऊपर छौंक लगा देंगे। छौंक लगाने के बाद आप तुरंत ढक्कन डाल दें, क्योंकि ढक्कन आप नहीं डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है उड़ जाएगा। तो इसीलिए छौंक लगाने के बाद आप तुरंत इसका ढक्कन लगा दें। उसके बाद 5-10 मिनट बाद खोल सकते हैं और ये चावल के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। इस सांभर को आप बहुत आसान से घर पर बना पाएंगे। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।